फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज की वीडियो देख के आप लोगों को मजा ही आ जाएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए दो बहुत ही फेमस डॉग ब्रीड लेके आया हूँ, और वो भी एकदम चीप प्राइस में। तो वो दोनों डॉग ब्रीड है पिटबुल एंड जर्मन शेफर्ड। सो फ्रेंड्स, ये दोनों ही डॉग्स आप लोगों को चीप प्राइस में तो मिल रहे हैं, पर साथ में वीडियो में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, जर्मन शेफर्ड एंड पिटबुल दोनों ही काफी अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं। अगर इस पर्पज से आप लोग कोई डॉग परचेज करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। तो अगर जर्मन शेफर्ड के बारे में बात करें तो ये एक मेल डॉग है और काफी अच्छी क्वालिटी है, और ये जो पिटबुल है ये एक फीमेल है और रेड नोज में है। बहुत से लोगों को ये चीज काफी पसंद आती है और मेरे पास काफी डिमांड भी आती है कि भाई रेड नोज पिटबुल या अमेरिकन बुली लेके आओ। तो फ्रेंड्स, इन दोनों डॉग्स को परचेज करने से पहले एक बार आप लोग ओनर से इनकी डाइट के बारे में अच्छे से पता कर लें कि वो इनको खाने में क्या देते हैं, क्योंकि अगर एकदम से आप लोग इनकी डाइट को चेंज कर दोगे तो हो सकता है कि इन डॉग्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिले। सो फ्रेंड्स, ओनर ने मुझे बताया कि जर्मन शेफर्ड फैमिली के लिए काफी फ्रेंडली है और ये गार्डिंग भी काफी अच्छी करता है। सो फ्रेंड्स, मेरी कुछ पिछली वीडियोस आप लोगों को आई के बटन में भी मिल जाएंगी, एक बार उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें। आई एम श्योर आप लोगों को वीडियोस काफी पसंद आएंगी। और डियर फ्रेंड्स, ओनर का इन दोनों डॉग्स को इतने कम प्राइस में सेल करने का रीजन ये है कि उनके कुछ फैमिली इश्यूज हैं, इस वजह से वो इनको सेल कर रहे हैं। वरना आप लोगों को रेड नोज पिटबुल और ऐसी क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड इस प्राइस में मिलना काफी मुश्किल है। वैसे मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस पहले भी काफी ला चुका हूं और आगे भी लाता रहूंगा। इवन मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे फ्री एडॉप्शन के डॉग्स भी लाता हूं। तो अगर आप एक डॉग लवर हैं और लो प्राइसिंग में डॉग को परचेज करना चाहते हैं या फ्री में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर प्रेस करके उसे ऑल पर करें, ताकि मेरी सभी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर इस जर्मन शेफर्ड की एज के बारे में बात करें तो ये 1 ईयर का हो चुका है और इसकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से, और ये दोनों ही डॉग्स एक ही ओनर के पास हैं, तो डिलीवरी आप लोगों को इनके ऊपर अवेलेबल नहीं मिल पाएगी, तो आप लोगों को डायरेक्ट विजिट करके ही इन्हें परचेज करना होगा। तो अगर इस जर्मन शेफर्ड के प्राइस के बारे में बात करें तो ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के जस्ट 5,000 रुपीज, यानी 5,000 रुपए। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है यार। तो चलिए बात करते हैं इस पिटबुल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये पिटबुल एक फीमेल है और काफी अच्छी क्वालिटी है, और जिस ट्विस्ट के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ट्विस्ट ये है कि ओनर का इस फीमेल को सेल करने का एक रीजन ये भी है कि ओनर ने इसकी मैटिंग कराई थी बट ये कंसीव नहीं हो पाई। बट इस चीज के भी काफी सारे रीजन हो सकते हैं, या तो वो डॉग सही नहीं था या फिर इस फीमेल की अच्छे से केयर नहीं हो पाई। तो अगर आप में से जो भी इन डॉग्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड है, उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से बात कर सकते हैं। उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जर्मन शेफर्ड का प्राइस तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो फाइनली बात करते हैं इस फीमेल के प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो भी किया जस्ट 5,000 रुपीज, यानी 5,000 रुपए। तो इन दोनों ही डॉग्स का प्राइस सेम है, 5,000 रुपए। तो इनमें से आप लोग किसी को भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि इन दोनों डॉग्स की क्वालिटी और इनका प्राइस आप लोगों को कैसा लगा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय।